शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाल का पुरदर्द मरसिया आप समात मा रहे थे। जमातुल अव्वल का शहाद नमोदार होता है तो यहीं से अय्याम फातिमिया का आगाज हो जाता है, क्योंकि एक रवायत के मुताबिक अभी रसूल इस्लाम का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि शहजादी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, लकड़ियाँ लेकर दरवाजे पर आए, घर को जलाया, पसलियाँ बीबी की शिकस्ता हुई, पहलू शिकस्ता हुआ, ये सब मसाइब थे। इसलिए जिस तरह हम अय्याम अज़ा में अहतमाम करते हैं, अज़ाए सैयदुश्शोहदा का 2 महीने 8 दिन तक, तो इसी तरह हमको मजालिस जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इनकाद की ज़रूरत है ताकि असल कातिल जो हैं वो बेनकाब हो जाएं, क्योंकि ज़हरा का गम मनाइए आशूर की तरह, ज़हरा का गम मनाइए आशूर की तरह, ज़हरा का गम मनाइए आशूर की तरह, कातिल है कौन सारे जहां को खबर मिले। ज़हरा का गम मनाइए आशूर की तरह, ज़हरा का गम मनाइए आशूर की तरह, कातिल है कौन सारे जहां को खबर मिले। इसलिए हम जितने भी मजलिसें हों सब बीबी के जिक्र से मंसूब कर दी जाएँ ताकि उनके जो फ़ज़ाइल व महामिद हैं उन पर जो मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, जो जुल्म उन पर किया गया वो और असल कातिल जो हैं बेनकाब हो जाएं। समझ में कि कुरान से सबूत विरासत दिया गया, कलाम इसको सुने, 7-8 शेर पेश करूँगा। कुरान से सबूत विरासत दिया गया, पहले दलील बाद में दावा किया गया। कुरान से सबूत विरासत दिया गया, कुरान से सबूत विरासत दिया गया, पहले दलील बाद में दावा किया गया। सब चुप हैं इफ्तिखारे सदाकत है लब कुशा, सब चुप हैं। कुरान से सबूत विरासत दिया गया, पहले दलील बाद में दावा किया गया। सब चुप हैं इफ्तिखारे सदाकत है लब कुशा, दरबार में जवाब तलब कर लिया गया। दरबार में जवाब तलब कर लिया गया, सब चुप हैं इफ्तिखारे सदाकत है लब कुशा, दरबार में जवाब तलब कर लिया गया। हाजी साहब ये शेर देखें, कुरान से इर्तबात की हद को खुदा से पूछ, कुरान से इर्तबात की हद को खुदा से पूछ, ज़हरा लिखा तो सूरह कौसर पढ़ा गया, ज़हरा लिखा तो सूरह कौसर पढ़ा गया, ज़हरा लिखा तो सूरह कौसर पढ़ा गया। कुरान से सब चुप हैं इफ्तिखारे सदाकत है लब कुशा, दरबार में जवाब तलब कर लिया गया। कुरान से इर्तबात की हद को खुदा से पूछ, ज़हरा लिखा तो सूरह कौसर पढ़ा गया, अलकाब सब के सब हैं खुदाई सिफात के, अलकाब अलकाब सब के सब हैं खुदाई सिफात के, ज़हरा के हर लकब से खुदा याद आ गया, ज़हरा के हर लकब से खुदा, ज़हरा के हर लकब से खुदा याद आ गया, अलकाब सब के सब हैं खुदाई सिफात के, ज़हरा के हर लकब से खुदा याद आ गया। उसी अंदाज का शेर पेश कर रहा हूँ, सिर्फ मौलाए कायनात का दरवाज़ा फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा मस्जिद नबी की तरफ खुलता था। समझ में कि अलकाब सब के सब हैं खुदाई सिफात के, ज़हरा के हर लकब से खुदा याद आ गया, हुक्मे नबी से खुल गया दरवाज़े अली, हुक्मे नबी से खुल गया दरवाज़े अली, मस्जिद के ऐन सामने क़िबला रखा गया, मस्जिद के ऐन सामने क़िबला रखा गया, हुक्मे नबी से खुल गया दरवाज़े अली, मस्जिद के ऐन। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, चूँकि
लेकिन ये भी शेर कि अब फातिमा रसूल खुदा के करीब है। भाई हाजी साहब हुज्जाज यहाँ मौजूद हैं, जन्नतुल बकी और रोज़े रसूल, फिर भी थोड़ी सी दूरी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब फातिमा रसूल खुदा के करीब हैं, जिसका यही कमाल है कुल में समा गया। अब फातिमा रसूल खुदा के करीब हैं, अब फातिमा रसूल खुदा के करीब हैं, अब फातिमा रसूल खुदा के करीब हैं, जिसका यही कमाल है कुल में समा गया। आखिरी शेर कुर्बा का लफ्ज़, आखिरी शेर चूंकि कुर्बा का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, अकरब जो है ये मर्दों के लिए सबसे करीब तरीन, अरबी ग्रामर मैं तो बहुत कम जानता हूँ, और कुर्बा वाहिद मुअन्नस है जो रसूल के सबसे करीब तरीन कौन सी औरत होगी। तो कुर्बा का लफ्ज़ तशनए तशरी अब कहाँ, कुर्बा का लफ्ज़ तशनए तशरी अब कहाँ, बेटी थी एक उम्मे अबीहा कहा गया, बेटी थी एक उम्मे अबीहा कहा गया। चलिए जुस पंजतन मकता है, जुस पंजतन किसी की सिफारिश न कीजिए, जुस पंजतन किसी से सिफारिश न कीजिए, अंसर कमाले इल्म ही कद को बढ़ा गया, अंसर कमाले इल्म ही कुरान से इर्तिबात की हद को खुदा से पूछ, जहरा लिखा तो सूरह कौसर पढ़ा गया। आइए इन्हें अशार के साथ मैं